करौली जिले में एक विवाहिता के साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामला करौली जिले के सपोटरा थाना इलाके का है। बाद में आरोपी पति के आने पर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक सपोटरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और खेडला के पूर्व सरपंच हरकेश मीणा के खिलाफ 22 वर्षीय विवाहिता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ग्राम पंचायत दौलतपुरा के गांव कल्याणपुरा की रहने वाली है। वर्तमान में वह परिवार के साथ जोर मंडी में किराए के मकान पर रहती है। शुक्रवार की रात को उसका पति सपोटरा के बाजार में घरेलू काम से चला गया। महिला घर पर अकेली थी और इसी दौरान खेड़ला निवासी आरोपी हरकेश मीणा घर पर आया और पति के बारे में पूछा। पीड़िता ने पति के घर पर नहीं होने की बात कही। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता से पीने के लिए पानी मांगा और वह पानी लेने घर के अंदर चली गई। उसी दौरान आरोपी उसके पीछे कमरे में आ गया और उसका मुंह बंद कर दुष्कर्म को अंजाम दिया। जैसे ही पति बाजार से वापस लौटा तो मकान के अंदर कुंडी लगी हुई थी। पति ने खिड़की से कमरे में देखते हुए आरोपी हरकेश को दुष्कर्म करते हुए पाया तो शोर मचाया और कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी, लेकिन आरोपी कमरे का दरवाजा तोड़कर भाग छूटा। पीड़िता ने सपोटरा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हरकेश मीणा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया है। वहीं पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।